अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। मजदूरों का वर्किंग आवर्स, चूंकि काम करने के घंटे के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं था उस जमाने में, मतलब आप काम में लगे हैं तो लगे रहिए, वो 10 घंटा 20 घंटा जितना भी हो, तो वो लड़ाई में एक ही मुद्दा जो सबसे ज़्यादा उभर के आया था वर्किंग आवर्स का, और वो 24 घंटा में 3 शिफ्ट करने का तय हुआ कि 8 घंटा से कोई मजदूर ज़्यादा काम नहीं करेगा। अब ये 130 बरस पहले के निर्णय पर फिर से हम वापस आ गए। 8 घंटा के ड्यूटी का अब वो चुनौती हो गया है, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा वर्किंग आवर्स। यही इसी बात को मैंने अभी श्रम नियोजन संस्थान विभाग में, संसाधन विभाग में उठाया, और उस पर हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 12-12 घंटा ड्यूटी आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा लिया जा रहा है। तो आज के दिन में एक बड़ी चुनौती है, जहाँ हम संगठित सेक्टर में, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ में या पब्लिक सेक्टर में, जहां हमने 7वां वेतन प्राप्त कर लिया है, जहां एक मजदूर का न्यूनतम मजदूरी आज 50,000 से ऊपर है, वहीं आज लोगों को 5,000 भी नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी चुनौती है। श्रम दिवस के अवसर पर हम लोग ये संकल्प लेंगे कि मजदूरों को जो श्रम कानून है इस देश का, वो कार्यान्वित होना चाहिए, वर्किंग आवर्स उनका फिक्स होना चाहिए, और जो 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 उनको सुख सुविधा सोशल सिक्योरिटी का, खास करके प्रोविडेंट फंड का, उनके हेल्थ का, उनके पेंशन का, उनके इंश्योरेंस का, ये तमाम चीज़ लागू होना चाहिए। ये संकल्प हम लोग आज फिर से दोहराएंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को भी शुभकामनाएं हैं, बहुत धन्यवाद।